बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज की जो डेट है वो 5 अगस्त 2022। आज जो सिग्नल दिन है, आज सबसे पहली बात यह है कि सिग्नल दिन से पहले मैं आपको बता दूँ, आज जो न्यूज़ है ना, UIT की सबसे बड़ी न्यूज़ है नॉन फार्म पेरोल, जिसको हम कहते हैं NFP, नॉन फार्म पेरोल। ये न्यूज़ है बहुत बड़ी फ्रेस के अंदर न्यूज़ है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये अमेरिका के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और ये देखा जाता है, ये चीज़ें हर मंथली वहाँ पर डाटा उनका रिलीज होता है, तो इस लिहाज से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट आती है। जहाँ जहाँ भी USG का पेयर है, जो दूसरों पेयरों पर भी इफेक्ट आता है इसका। तो आप देख रहे होंगे ये पहले दो कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ हैं, ये भी इनका भी डॉलर पे गोल्ड पे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, या USD की जितने ही पेयर हैं इंपैक्ट इनका साथ पड़ जाता है। और उसके अलावा फिर गोल्ड, ये USD की न्यूज़ एक, ये वाली ये, और तीन न्यूज़ हैं ये हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसलिए आपने बहुत ही सुकून सब्र तमल से ट्रेड करनी है, बहुत अच्छी जगह से एंट्री लेनी है और वेट करना है मार्केट का, ठीक है। वैसे तो ये सिग्नल तो दिए हुए हैं आपके सामने, गोल्ड बाय फ्रॉम 1785-82, शॉर्ट टर्म के लिए ये सिग्नल और न्यूज़ से पहले का सिग्नल है ये, यानी कि 85 से आपने बाय करना 88 TP, फिर 90-94, ये शॉर्ट टर्म स्केल्पिंग सिग्नल दिए हुए हैं, ये सिर्फ स्केल्पिंग के तौर पर दिए हैं, वही न्यूज़ से पहले 5:30 बजे न्यूज़ है, आप देख रहे हैं न्यूज़ के टाइमिंग, तो उससे पहले ये क्लोज करनी है। और दूसरी सेल दी हुई है 1794-97 से सेल दी हुई है, 90 TP है, SL 1801 दिया हुआ है। ये जितने भी ये दोनों सिग्नल हैं ये स्केल्पिंग के तौर पे दिए हैं, वो भी न्यूज़ से पहले, तो ठीक है। चलते हैं अपने MT4 की तरफ और हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने स्केल्पिंग के तौर पे ट्रेड करनी है ना, उसको नज़र देखते हैं, ठीक है। ये MT4 ओपन कर लिया मैंने, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यूरो USD को, ठीक है, जैसे पहले भी देखते हैं। तो ये यूरो USD का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, H1 देख लें कल किस तरह ये बाइंग गया है। मैंने कल कहा भी था, वीडियो उठा के देख लें मेरी कल वाली, मैंने इसमें बोला हुआ कि ये बाय जाएगा, अप गया, देख लें कितना बड़ा ये अप गया जी, ये कैंडल बनी, ठीक है। और अब भी आज आपने पता क्या करना है, लेकिन अभी Day 1 सेल पे है, तो न्यूज़ भी है आज, तो आपने ये वाला एक ऑर्डर लगा लेना, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लगा लेना इंशाल्लाह ताला। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने इसको बताया हुआ बाय लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपको अच्छी खासी ट्रेड देगा, ये ऐसा लगा लेना इसका, ठीक है। इसके ऊपर यही ऑर्डर है मेरे हिसाब से, अगर नेक्स्ट मूवमेंट है तो कल भी अपडेट करूँगा, क्योंकि डेली अपडेट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैंने लोगों को यहाँ से भी बाइंग का तरह बैठा दिया है, जाएँ बाइंग करें, वो छोड़ दें एक दो मंथ, 6 मंथ का टाइम दिया मैंने, कहा बाय करके 6 मंथ के लिए छोड़ दें। ये तो USD की बात, आप चलते हैं हम नेक्स्ट पाउंड की, GBP USD, देखिए GBP USD का मैं बार हाँ बता चुका हूँ कि ये इसने भी तकरीबन ज़्यादातर बाय के चांस हैं इसके, सेलिंग में कम है। कल ये इसकी भी डाटा था, ये आया डाउन लेकिन फिर अप मूव कर गया, लेकिन आज भी ये यहाँ तक डिप ले सकता है आज भी, और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। कल मैं सिग्नल देने भी लगा था ग्रुप में, लेकिन मैं दे नहीं सका, खुद मैंने यहाँ से बाइंग किया, बिल्कुल डाउन से बाइंग किया, थोड़ा स्केल्पिंग ट्रेड ली, फिर क्लोज कर दी, लेकिन बहुत अच्छा कल इसने प्रॉफिट दिया GBP पाउंड ने, क्योंकि एक बार डाउन है फिर अब चला गया, लेकिन ये बहुत बड़ी सपोर्ट है इसकी, ये वाली ये मैंने लगाई हुई आपको नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर भी आता तो आप यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ओपन करते हैं USD JPY, USD JPY की कहानी देख लेते हैं अब हम, जी USD JPY रहा, इसको अभी तो बाइंग तो था नहीं सीरिया से, मैंने बोला हुआ था कि इसे बाइंग करेंगे, यहाँ से भी ये उठ गया, यहाँ तक आया, नीचे नहीं आया, लेकिन अभी वेट करें, इसके ऊपर कोई एंट्री ना ही करें तो अच्छा है, इसके पेयर को अभी ना छेड़ें, करनी है तो फिर बाइंग की करें, स्केल्पिंग पे तो पैसा लाद में लगाना है, ठीक है। और हम नेक्स्ट चलते हैं USD CHF, ये लो जी ये आ गए USD CHF, ये भी सेम जैसे वो चल रहा है ना USD JPY, उसके साथ साथ ये भी चल रहा है, अब बात करते हैं एंट्री की।
एक तो एंट्री आपने यहाँ से लेनी है अगर नीचे आता है तो, ठीक है, और दूसरी डायरेक्ट एंट्री लें तो ये SL20 का ये बन जाता है, और यहाँ से जाने थे इसने जाना आप ही है, ये इसकी रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है जिस एरिया पर, लेकिन ज़्यादा चांस इसके आप जाने के, अगर कम नीचे गया तो SL लाजमी लगाएं, ज़्यादा चांस आप के हैं इसके। उसके अलावा चलते हैं EURGBP के ऊपर। EURGBP कल बोला था कि बाय करो, और देख लो आपको सामने ही है EURGBP कैसे आप गए, कल का दिन स्पेशल बोला था कि ये सपोर्ट के ऊपर है, इसे बाय कर लो, हुए ना RTP हिट EURGBP के। अच्छा यहाँ सॉरी EURGBP का मैंने इसका सिग्नल भी दिया हुआ ग्रुप के अंदर, मैं अच्छा के सिग्नल भी दिखा सकता हूँ। अच्छा गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड हमने कल 88 से सेल किया था पहली ट्रेड हमारी, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, 88 से बार बार सेल किया, लेकिन ओवरऑल जो इसके आप ट्रेंड देखें, अगर ट्रेंड की बात की जाए तो ये देख लें आप जिस टाइम है किस एरिए पे, देखने रेजिस्टेंस भी है, और ये बहुत क्रिटिकल एरिया है अगर देखा जाए, क्रिटिकल इसके लिए अब वो बातें जो मैंने ग्रुप के अंदर भी लिख बताई हैं वो यहाँ पे भी करने जा रहा हूँ। ये देखें आप समझें चीज़ को, ये एरिया ये टेस्ट, ये यहाँ पे NFP की न्यूज़ें भी आई थी जो आज भी आने वाली हैं, लेकिन माइग्रेशन वाला मामला था जिसको इसको ऐसे उठा के ऊपर ले गया, ये देख रहे हैं इतना ऊपर गया ये, उसके बाद फिर ये डाउन आया, लेकिन अब भी मामला चल रहा है चाइना का, और चाइना इशू है जिसके साथ जो अमेरिका का और जो ताइवान वाला इशू, तो मज़ीद यहाँ से फिर उठ सकता है, एक बार देख लें आप ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं, ये हिस्ट्री रिवाइज भी हो सकती है, थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये देखिए ये देख रहे हैं एक टच, ये दूसरा, ये 1 2 3 4, ये 4 ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़ा क्रिटिकल लेवल है, ये 4 जगह तो ये हो गई, ये 5, अब ये देखना यहाँ पे देखना 5 6 7, फिर ये 8 टच, ये कितनी बहुत बड़ी बड़ा क्रिटिकल एरिया, ये आप देखने ये देखें इसकी, और जब ये इस एरिया से मार्केट डाउन आई है तो देखने जब इसको ब्रेक किया तो कैसे आई है 1694 80, और अब ये ऊपर जाती है तो ऊपर भी अच्छा खासा लगाती है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये देखें अब जैसे ही ये पॉइंट यहाँ पे आप ब्रेक हुआ तो सीधी मार्केट गई 1868 से फिर डाउन आई, ये पॉइंट बहुत ही नाजुक और क्रिटिकल पॉइंट है, तो अब देखें यहाँ पे भी उठी है मार्केट एक बार फिर, जैसे ये उठी है ना मार्केट ये वाली चीज़ें समझें ये वाली, तो यहाँ से अगर मज़ीद इस बार भी ये जो मामला चल रहा है USD ये चाइना का और अमेरिका वाला, तो मार्केट अभी उसी लेवल पे है, सेम उसी लेवल पे है 1791 92, तो यहाँ से अगर मार्केट ऐसे ऊपर रीटेस्ट कर गई ना, और यहाँ पे आज NFP भी है, नीचे नहीं जाती मार्केट, अगर नीचे आती है ना तो ये देख लें ये पॉइंट, अभी मैं जो काम की बात करने जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और भी ऐसा हो सकता है पॉसिबल है ऐसा, देखना अभी ये जो लेवल है जो लेवल बताया है, ठीक है, अगर तो ये लेवल ब्रेक अप करके नहीं जाता नीचे स्टे, तो ये दोबारा अगेन इसी लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है। एक बात ये होगी कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, और अगर मार्केट इसको रीटेस्ट ऐसे ऊपर जाती क्लोजिंग देख के ये मामला बढ़ जाता है US ये सीधा 1800 2000 भी लगा सकता है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने, ये बातें आपने याद रखनी है इसमें, ठीक है। और आप चलते हैं US 30 के ऊपर, ये US 30 है जनाब, आपकी तरफ रवा धवा है, धड़ा धड़ जा रहा है जी आपकी तरफ, तो अभी भी ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये कल भी मैंने कहा था ये डाउन होगा, वहाँ से ये नहीं ब्रेक कर रहा, ये फिर डाउन भी हो सकता है, ये भी सेम गोल्ड की तरह ऊपर उठा तो ऊपर निकल जाएगा, ये रेजिस्टेंस बॉडी पर ही फिलहाल इसे डाउन आना चाहिए, एक बार फिर रिटेस्ट करना चाहिए, बहुत एहतियात करनी है अपन, मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। BTC वही कहानी चल रही है अभी तक, मैंने कहा था 2200 से सेल 2200 से बाई, ये मार्केट कहाँ तक आई है अभी देखता हूँ, ऑलमोस्ट 2400 तक आई है जी मार्केट कल, और उसके बाद फिर जो ऊपर उठ गई है, ठीक है। ये 23 के ऊपर फिर अगर यहाँ पे आती है जो 2200 का एरिया, तो फिर हम यहाँ से इसे बाय ज़रूर करेंगे,
2200 का मेरा ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे। ओवरऑल से सेल नहीं करना है, सेल से परहेज करना है। अब बात करें यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल ने अपना कल ब्रेक किया रेजिस्टेंस, सपोर्ट ब्रेक किया सॉरी, तो अगेन उसे ये अगेन भी सेल आ सकता है, इसके ऊपर भी अवॉइड करें ट्रेड से, ठीक है। ये थे आज के एनालिसिस, अपना बहुत ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़।